नमस्ते रुद्र रूपिण्य, हे रुद्र रूपिणी, मैं आपको नमन करता हूं। नमस्ते रुद्र रूपिण्य, नमस्ते रुद्र रूपिण्य, अर्थ हे रुद्र जैसी, हे रुद्र के रूप में तुम जो शक्ति में विराजमान हो उनकी। अब इसको हम आदि शक्ति से जोड़ते हैं। शिव ई लगा तो शिव बने, ठीक है। अब रुद्र जो कार्य करते हैं, यानी वो जो प्रचंड तूफान है उसके पीछे भी ऊर्जा है, वो जो प्रचंड बिजली कड़कती है उसके पीछे भी तो ऊर्जा है, जो रू दुख है उनके पीछे भी तो ऊर्जा है, द्र जो अंत कर रहा है उसके पीछे भी तो ऊर्जा है। तो वो आदि शक्ति, ये संबोधन उन आदि शक्ति को है जो पूरे संसार की निर्मात्री है, जिन्होंने निर्माण किया है, जिन्होंने सारी दुनिया को नियम में बांधा है, जो अंत भी करती हैं और सृजन भी करती हैं, दुखों को अंत करके एक नया आयाम, एक नया आरंभ भी देती हैं। तूफान जैसी शक्ति वाली और तूफान जैसी शक्ति वाले रुद्र, उनकी शक्ति वो है रुद्र रूपिणी। रुद्र को जिसने रूप दिया, या फिर हम कहते हैं कि रुद्र के रूप में, यानी अगर मेरे अंदर वो भगवान है, मेरे अंदर वो आदिशक्ति की ही एक तरह से वो ऊर्जा है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है, तो हमारे अंदर भी जब प्रचंड तूफान उठता है, विचारों का उह उठता है और सब प्रकार की जो गुस्सा, तीव्रता, इस तरह की जो चीजें आती हैं, वो रुद्र रूपिणी ही है। रुद्र रूपिणी वो शक्ति, बल्कि मैं कहूंगा आदि शक्ति का वो रूप जो आपके मेरे सबके क्रोध में और सभी दुखों के अंत में एक नए आरंभ को देने वाली, और रुद्र के रूप में वो विराजमान है आपके अंदर, मेरे अंदर। तो ये एक पहला जो उनका रूप है, आदि रूप रुद्र। नमस्ते रुद्र रूपिण्य, हे रुद्र रूपिणी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। हे प्रचंड देवी, हर प्रचंडता में विराजमान, हर क्रोध में, तीव्रता में, घात में, आघात में, हर दुख में, हर दुखों के अंत में, हे भगवती, हे आदिशक्ति, हे मां, तुम रुद्र रूपिणी हो, तुम उसी रुद्र की शक्ति हो जो कि तूफान के देवता हैं, जो शब्द करते हैं तो तूफान आता है, और हे भगवती, मैं आपको नमन करता हूं। रुद्र हर एक प्रचंड शक्ति में है, रुद्र हर एक दुखों के अंत में है। हे रुद्र रूपिणी, तुम रुद्र के रूप में विराजमान हो, रुद्र की शक्ति हो, कुछ भी कहे, उस ऊर्जा को मेरा नमन है।